हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी स्टोरी द 100 ड्रेसेस बाय एलेनोर एस्टर। एलेनोर एस्टर एक अमेरिकन ऑथर है एंड जितनी भी उन्होंने मोस्टली स्टोरीज लिखी है वो चिल्ड्रन से रिलेटेड है। एंड आपको ये बात जान के हैरानी होगी जो ये स्टोरी भी है, इस स्टोरी में भी वो कहती है उन्होंने आउट ऑफ गिल्ट लिखी है। अब कैसे, ये हम इसकी एंड में देखेंगे जब हम समरी कवर कर लेंगे। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है दैट दिस स्टोरी इज सेट उस टाइम पे जब अमेरिका में पॉलिश इमिग्रेशन हुई थी, यानी कि पीपल बिलोंगिंग टू पॉलिश कल्चर वो शिफ्ट हुए थे या मूव हुए थे टू अमेरिका। अब क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट था, लैंग्वेज डिफरेंट थी, सो अमेरिकन्स ने उन्हें इतना एक्सेप्ट नहीं किया था। सो ये इसका बैकग्राउंड है। अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं सो इस स्टोरी के थ्रू एलेनोर ये बताना चाहती हैं कि बेसिकली जितने भी बुलीज होते हैं स्कूल में, अब बुलीज कौन होते हैं, वो बच्चे जो दूसरों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, अब्यूज़ करते हैं या फिर मारते पीटते हैं या किसी ना किसी तरीके से दूसरे बच्चों को बिना मतलब के हर्ट करते हैं, इन बच्चों के अगेंस्ट सबको आवाज़ उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। बिकॉज वो बच्चे जो उनके साथ साथ खड़े हुए सिर्फ नोटिस कर रहे हैं, जो लिटरली अब्यूज़ नहीं कर रहे, जो सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं, वो भी उतने ही ज़्यादा फॉल्ट होती है उनकी। इसीलिए उन सबको अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए अगेंस्ट बुलीज। सो ये स्टोरी भी इसी के बारे में है। सो यहाँ पे बिगिन करते हैं ऑथर बताना कि मंडे का दिन था एंड क्लास में वांडा पेट्रोनोस्की नहीं आई थी। अब वांडा इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब वांडा बाकी सबसे डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि वो भी पॉलिश थी एंड दैट इज़ वाई इसकी जो एब्सेंस थी क्लास में ज़्यादातर कोई नोटिस नहीं करता था, उसके ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे एंड यूजली वो क्लास में एक कॉर्नर में बैठा करती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले बच्चे या जो शैबली ड्रेस्ड हैं वो बच्चे जो थे वो बैठते थे। लेकिन वो वहाँ पे इसीलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो इस कैटेगरी में फॉल करती थी, वो वहाँ पे इसीलिए बैठती थी क्योंकि वो काफ़ी चुप रहती थी, अपने काम से काम रखती थी, दूसरों से ज़्यादा लड़ती नहीं थी, बात नहीं करती थी। इनफैक्ट कभी किसी ने उसको हंसते हुए भी नहीं देखा था। अगर उसको किसी चीज़ पर हंसी भी आती थी तो वो थोड़ी सी स्माइल कर देती थी। सो पेगी एंड मैडलिन ये दो क्लास की लड़कियां थी जो बेस्ट फ्रेंड्स थी। एक्चुअली मैडलिन मानती थी कि पेगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है एंड पेगी पूरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस थी एंड उसके कर्ली हेयर थे एंड वो बताती हैं कि मंडे को वो नहीं आई थी वांडा स्कूल में, किसी ने नोटिस नहीं किया, ट्यूसडे को भी किसी ने नहीं किया। लेकिन अब वेडनेसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को यूजुअली सारे जो अच्छे बच्चे जिनके गुड मार्क्स आए हैं वो फर्स्ट रो में बैठे थे। सो वांडा के भी अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन वो उस दिन एब्सेंट थी। तो जब पेगी और मैडलिन दोनों उस रो में बैठे थे उन्होंने देखा कि वांडा तो है नहीं यहाँ पे, वो कहाँ पे है। सो उस दिन उनको उसकी कमी जो थी वो महसूस हुई, ऑल्दो उनको कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लगा, सो दे इग्नोर्ड इट। सो अब ऑथर बताती हैं वांडा पेट्रोनोस्की ये रूम नंबर 13 यानी कि उस क्लास में सबसे अलग नाम था क्योंकि यूजली अमेरिकन्स के नेम थॉमस या फिर स्मिथ इस तरह के नेम थे एंड वांडा नाम होना थोड़ा सा अजीब था। अब यूजली वांडा के कोई दोस्त नहीं थे, अकेली स्कूल आती थी, अकेले स्कूल से जाती थी, एक पुरानी सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो फेड हो रखी थी, ऑल्दो वो क्लीन थी लेकिन ऐसा लगता था कभी उसको ढंग से प्रेस नहीं किया गया था, तो उसके पास एक ही ड्रेस थी। सो पेगी वांडा के साथ एक गेम खेलती थी जहाँ पे वो उससे पूछती थी कि बताओ वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। सो उसका रिप्लाई करती थी वांडा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं एंड जब वो इस चीज़ का रिप्लाई करती थी तो सबको हंसी तो आ रखी होती थी, सारे आसपास जो भी काम कर रहे थे सब वो नहीं करते थे, वो एक तरह से आप कह सकते हैं सारे ये सीन जो थे वो देखते थे कि किस तरीके से पेगी परेशान कर रही है वांडा को, लेकिन सब इस चीज़ के मज़े लेते थे, सबको अच्छा लगता था ये देखना कि जो वांडा है उसका मजाक उड़ रहा है क्योंकि वो सबसे थोड़ी डिफरेंट थी। सो देन वांडा जब ये बात कहती है तो पेगी उससे पूछती है कि सारी लाइंड अप, आई थिंक शायद सारी सिल्क की होंगी राइट। सो वांडा कहती है कि हाँ सारी सिल्क की हैं। सो जैसे ही वो इस बात को कहती है एंड वो थोड़ा आगे चली जाती है, जितने भी सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं वो सारे हंसने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस है तो उसने ऐसे झूठ क्यों बोला। तो सारे के सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा अब तो ये कहेगी इसके पास डिफरेंट 60 पेयर्स ऑफ शूज़ भी हैं, ऑल्दो उसके पास नहीं है। अब पेगी थी जो इस गेम को यूजुअली खेला करती थी वांडा के साथ,
लेकिन ऑथर बताते हैं कि पेगी इतनी बुरी या इतनी क्रूअल लड़की नहीं थी. यूजुअली वो बड़े बच्चे जो छोटे बच्चों को बुली करते थे उनको डांटती थी एंड उनको बुली नहीं करने देती थी, और अगर किसी एनिमल के साथ कोई मिस्ट्रीट करता है तो घंटों घंटों रोती थी. सो यूजुअली पेगी इतनी बुरी नहीं थी, इनफैक्ट वो सबसे सुंदर लड़की थी, सबसे अच्छी लड़की थी. बट फिर भी ये वो गेम जो थी वो खेलती थी वांडा के साथ. शायद उसे नहीं पता था कि वो उसको हर्ट कर रही है. सो पेगी की फ्रेंड मैडलिन, उसको भी कभी कभी बुरा लगता है कि पेगी उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि वो खुद काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी. एंड वो कहती थी कि थैंक गॉड कि मेरा ये अजीब सा नाम नहीं है और मैं बॉगिन हाइट्स जहाँ पे ये रहती है वहाँ नहीं रहती, वरना मेरा भी ऐसा मजाक उड़ता. लेकिन उसे बुरा लगता है कि उसके जो दोस्त हैं उसका मजाक उड़ाती है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है. एंड दैट इज़ वाई वो सोचती है कि शुक्र है मेरे साथ ऐसा नहीं होता. सो अब मैडलिन सोचती है कि चलो शुक्र है आज के दिन भी अगर मैं स्कूल के लिए लेट हो गई कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे वांडा का मजाक तो नहीं उड़ते हुए देखना पड़ा, एटलीस्ट मैं उसके साथ तो नहीं थी उस टाइम पे. क्योंकि उस दिन भी वांडा नहीं आती, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि शायद वांडा आई होगी एंड पेगी ने उसका मजाक उड़ाया होगा. सो अगले दिन वही जब मैडलिन अपना काम कर रही होती है, मैथ्स के सम कर रही होती है, तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि मैं किसी ना किसी तरह से पेगी से बोलूँ कि तुम प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाया करो. बट देन जैसे ही वो इस बात को सोचती है उसके दिमाग में एक बात आती है एंड वो सोचती है कि मैं भी तो पुअर हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अगला टारगेट मैं ही बन जाऊँ पेगी के बुली करने का या मजाक उड़ाने का. सो वो अपने आप को वांडा की जगह इमेजिन करती है स्कूल यार्ड में, जहाँ पे सारे बच्चे मिलके उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वांडा का नहीं. तो उसे लगता है कि कहीं अगर वो वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ देंगे तो ऐसा ना हो कि वो मेरा मजाक उड़ाएं, क्योंकि मैं भी तो पुअर हूँ. एंड जितने भी पुराने कपड़े होते हैं किसके, पेगी के, वो सारे पुराने कपड़े मेरे पास ही आते हैं, मैं ही पहनती हूँ. जो मेरी मदर है किसी न किसी तरीके से उनको रिन्यू कर देती है, किसी न किसी तरीके से उनको नया बना देती है सिलाई करके. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं नए कपड़े पहनती हूँ, ये वही कपड़े हैं जो पेगी के पुराने हैं, जो वो पहन चुकी है. सो इतनी पुअर मैं भी हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मजाक ही ना उड़ाने लग जाए. सो वो क्या करती है, जैसे ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है तो जो वो लेटर लिखना शुरू करती है, वो डिसाइड करती है क्योंकि कि वो एक लेटर लिखेगी किसको, पेगी को, जिसपे वो लिखेगी कि नहीं हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. सो वो जो लेटर है वो उसको फाड़ के फेंक देती है एंड ताकि जो उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाए इस टॉपिक से. सो वो अपने सर पे हाथ फेरती है एंड देन उसका एकदम से ध्यान जाता है किस टॉपिक पे, उसको याद आता है कि स्कूल में एक कॉम्पिटिशन है. अब कॉम्पिटिशन क्या है, कॉम्पिटिशन ये था लड़कियों के लिए कि उनको डिज़ाइंस बना के देने थे ड्रेसेस के, और जिसका सबसे बेस्ट डिज़ाइन होगा वो विनर होगा. और लड़कों के लिए ये कॉम्पिटिशन था कि उनको मोटर बोर्ड्स के डिज़ाइन बना के देने थे, जो बेस्ट था वो जीतता. सो वो इसके बारे में सोचती है और उसे ऐसा लगता है कि इसमें तो डेफिनेटली पेगी ही जीतेगी, क्योंकि पेगी ही सबसे अच्छे ड्रॉ या स्केच करती है एंड ये बात सबको पता है या एटलीस्ट सब सोचते हैं. तो इस बात को वो सोचती है एंड देन वो भूल जाती है उस बात को जहाँ पे वो पेगी को कहने वाली थी कि तुम्हें वांडा को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए. सो अब नेक्स्ट डे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी. सो पेगी और मैडलिन एक अम्ब्रेला के नीचे फटाफट से क्लास के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो लेट नहीं होना चाहते, उन्हें पता है आज विनर अनाउंस होने वाला था इस कॉन्टेस्ट का. सो जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं, अम्यूज हो जाते हैं. अब क्या देखते हैं, क्लासरूम के अंदर यानी कि रूम नंबर 13 के अंदर हर जगह बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस के जो डिज़ाइन है वो हैंग हो रखे हैं. एंड ये देख के सिर्फ वही नहीं, जितने भी बच्चे क्लास में होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उन सबको एडमायर करते हैं. सो मिसेस मेसन आती हैं एंड वो फाइनली अनाउंस करती हैं कि विनर कौन कौन है. सो पेगी और मैडलिन तो एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं कि पेगी ही जीतेगी. सो सबसे पहले मिसेस मेसन बताती हैं कि लड़कों में से जीते हैं जैक बेगल्स एंड उनके जो डिज़ाइन है इट इज़ डिस्प्लेड इन रूम नंबर 12, जहाँ पे बाकी बच्चों के भी डिज़ाइंस हैं. एंड लड़कियों में से वो कहती हैं काफ़ी हैरानी की बात है, क्योंकि यूजुअली सारी लड़कियों ने एक या दो डिज़ाइंस जो थे वो सबमिट करे थे, बट ये जो पर्टिकुलर लड़की है इसने 100 डिज़ाइंस जो थे वो सबमिट किए थे एंड जो भी जजेस थे वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि इन 100 डिज़ाइन में से सबसे अच्छा कौन सा है. इसलिए ये जो लड़की है शी इज़ द विनर. एंड ये विनर कौन होती है, वांडा पेट्रोनोस्की. एंड जैसे ही सबको विनर के बारे में पता चलता है सारे काफ़ी शॉक या सरप्राइज भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वांडा इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकती है. एंड नाउ
पेगी और मैडलिन उन दोनों को भी इस बात का रियलाइजेशन होता है कि शायद हाँ, चाहे उसके पास असली में 100 ड्रेसेस होंगी या नहीं होंगी, लेकिन उसके दिमाग में, उसके डिज़ाइंस में डेफिनेटली ये 100 ड्रेसेस थी। सो वो इस चीज़ को देखते हैं, कहीं ना कहीं वो मन ही मन उसको एडमायर भी करते हैं, कहीं ना कहीं पेगी को बुरा भी लगता है कि वो नहीं जीती है, क्योंकि ऐसा लगता है उसे कि उससे बेटर कोई नहीं कर सकता था ड्रॉ। बट अगेन वांडा उस दिन स्कूल में नहीं प्रेजेंट होती, तो वो अपना जो मेडल था, जो अपना प्राइज था, वो कलेक्ट नहीं कर पाई। सो अब जैसे ही ये सारे लोग या ये सारे कॉम्पिटिशन के विनर्स जब अनाउंस हो चुके होते हैं, सारे उन सारी ड्राॅइंग्स को देख रहे होते हैं, सारे उन सारी ड्रेसेस को देख रहे होते हैं, एक से बढ़कर एक दूसरी ड्रेस के जो डिज़ाइन थे वो होते हैं, एंड पेगी एंड मैडलिन सोचते हैं, देखो, पेगी को लगता है कि देखो, मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ, बट कितनी सुंदर ड्रॉइंग्स हैं, तो मतलब इस लड़की में कहीं ना कहीं कितना टैलेंट है। सो यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। सो अब आपको क्या लगता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये जो ऑथर है उन्होंने आउट ऑफ गिल्ट ये लिखी थी। सो बेसिकली यहाँ पे ऑथर को आप इमेजिन कर सकते हो मैडलिन की जगह। सो उन्होंने भी अपने रियल लाइफ अकाउंट में ये चीज़ को विटनेस किया था कि उनकी क्लास में भी एक ऐसी लड़की थी जिसको बुली किया जाता था। पेगी जैसी लड़की नहीं, उसको इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, लेकिन कभी वो कुछ कह नहीं पाई या उसके लिए अपनी वॉइस को रेज नहीं कर पाई, और उन्होंने काफ़ी बुरा लगा इस बात का कि बेसिकली क्यों उन्होंने अपनी आवाज़ को उस टाइम पे रेज नहीं किया, क्यों उन्होंने उस लड़की के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोला, टीचर्स को भी, प्रिंसिपल को भी। एंड दैट इज़ वाई उनको इतनी गिल्टी लगी इस बात की, उनको इतना गिल्टी फील हुआ कि उन्होंने ये स्टोरी लिखी, द 100 ड्रेसेस। सो उनकी लाइफ में से ये रियल अकाउंट है जिनको उन्होंने एक स्टोरी में लिख दिया। सो अब इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो यही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैडलिन या मैडी ने बिल्कुल भी नहीं आवाज़ उठाई अगेंस्ट दिस, उसने क्यों नहीं बोला। अब इसमें आप लिखोगे क्योंकि उसे लगा था कि कहीं सेकेंड टारगेट वही ना हो, कहीं उसका ही मजाक ना उड़ना शुरू हो जाए, इसीलिए इस डर से उसने कभी भी पेगी को मना नहीं किया कि वो मजाक ना उड़ाए उसकी गरीबी का। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस। सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है वो ये है कि ये जो 100 ड्रेसेस हैं, क्या सच में उसके पास 100 ड्रेसेस थी। सो ये एक तरह का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आप लिख सकते हो कि यस, मे बी उसके पास असली में नहीं थी, बट उसकी इमेजिनेशन में उसके पास डेफिनेटली थी, एंड ये जो 100 डिज़ाइंस थे इसका प्रूफ था ये, दैट सम डे और द अदर शी विल डेफिनेटली हैव देम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द 100 ड्रेसेस। इसमें मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, थीम बताया, एंड मैंने आपको इसकी समरी बताई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपके पास इसके जो सेकेंड पार्ट है जब भी वो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आए, इसीलिए बेल आइकन भी हिट करना मत भूलना। सो अंटिल देन, बाय बाय।